नमस्कार, आप देख रहे हैं यश टीवी। अब वक्त है यमुनानगर के कुछ कम्युनिटी अपडेट्स का। आखिरकार रेलवे स्टेशन की सुरक्षा अब चाक चौबंद हो जाएगी। स्टेशन पर लगे अत्याधुनिक कैमरे प्रत्येक क्षेत्र की निगरानी करेंगे। यात्री और शरारती तत्वों की प्रत्येक गतिविधि कंट्रोल रूम में लगी 55 इंच की दो बड़ी LCD पर तो नजर आएगी ही, साथ ही उनकी रिकॉर्डिंग भी डाटा सर्वर में होने लगेगी। सोमवार से कंट्रोल रूम का संचालन शुरू हो जाएगा। 10 साल की जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, उस उम्र में शहर के अग्रिम ने जिले और प्रदेश की ही नहीं देश भर में ख्याति प्राप्त कर ली। उसकी यह ख्याति अब विदेशों तक पहुंच गई है। अग्रिम की दोनों पुस्तकों को ब्रेबो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए चयनित की गई है। अग्रिम ने एडवेंचर ऑफ 3 फेडर्स और द इनविजिबल चाइल्ड शीर्षक की दो पुस्तकें लिखी है। दाम न मिलने के कारण किसानों ने गोभी की फसल को खेतों में ही नष्ट करना शुरू कर दिया है। आंदोलन की वजह से किसान फसल को बाहर की मंडियों में नहीं ले जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको लोकल मंडियों में बहुत ही कम दाम मिल रहे हैं। सरस्वती नगर के किसान कैलाश चौहान ने बताया कि गोभी प्रति एकड़ लगाने का खर्चा करीब 15,000 रुपए है। कुछ दिन पहले जो गोभी 15 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, आज वह 1 रुपए प्रति किलो के दाम में भी पल्ले नहीं पड़ रही है। जिले में कोरोना रिकवरी रेट 94.91% हो गया है। गुरुवार को 30 संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 29 कोरोना के नए केस मिले हैं। जिले में अब तक कुल 6,189 संक्रमित मिल चुके हैं, जिनमें से 80 जिले के बाहर अन्य स्थानों के हैं, जिसमें से अब तक 5,874 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। वहीं रादौर में 100 बच्चों के सैंपल लिए गए हैं। ये थे अब तक के कुछ कम्युनिटी अपडेट्स। ऐसी अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए यश टीवी। नमस्कार।